हरे हरे दिखने वाले ये बेर खाने में मीठे हैं, शरीर में पानी की कमी को दूर करता है, खाने पर सेब की तरह स्वाद होता है, इसकी खेती के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। किसान धीरे धीरे ही सही अब आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे उनको कई गुना ज्यादा मुनाफा हो रहा है। आगर मालवा जिले के कानड़ में किसान ने एप्पल बेर की खेती के जरिए कमाई का जरिया ढूंढ निकाला है। हर रोज किसान 20 से 25 किलो और 50 से 60 रुपए किलो के भाव एप्पल बेर बेच देता है। किसान ने एप्पल बेर की खेती कर जमीन को उपजाऊ बना दिया। किसान अगर मेहनत और लगन से कोई से कार्य को करे तो निश्चित रूप से उसके अंजाम तक पहुंचा सकता है। इसी तरह आगर मालवा जिले के कानड़ में एप्पल बोर की खेती कर किसान लाभ का धंधा बना रहा है, जिसको कई इसको सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करें तो ज़्यादा इसमें मेहनत और लगन नहीं, लेकिन उसको अंजाम तक पहुँचाने के लिए किसान दिन रात एक करता है। हम उस किसान से जानेंगे कि उसने एप्पल बोर को किस तरह से खेती में लाभ का धंधा बनाया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफीक। हाँ, इसको आपने जो एप्पल बोर को है इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको लगाने की? ये प्रेरणा मिली हमारा दूल्हा भाई से। अच्छा, दूल्हा भाई से आपको प्रेरणा मिली, तो इसमें किसको आपने लाभ का धंधा किस तरह से बनाया? तो बनाए मेहनत करके हम। क्या भाव बिक जाता है ये? 50 रुपए 40 रुपए 60 रुपए किलो तक बेच देते हैं हम। अच्छा, तो इसमें अभी तक सरकार या प्रशासन से कोई आपको कोई लाभ नहीं मिला साहब? कोई लाभ नहीं? कोई आया था आपके खेत? अगले साल आए थे अधिकारी यहाँ जिले के। हाँ। बाकी वो बोल के गए थे कि इनको वो देना, ड्रिप वगैरह देना, ये देना वो देना, बाकी कोई सब्सिडी आज तक नहीं आई हमारे पास। अच्छा, सब्सिडी नहीं आई? आपने जो इसमें खर्च करा वो आपके निजी है? हाँ, निजी खर्चा है। किसान सफी मंसूरी ने बताया है कि पिछले साल जिले के अधिकारी एप्पल बोर का बगीचा देखने आए थे, उसके बाद उन्होंने शासन की योजना का लाभ देने की बात कही, लेकिन आज तक लाभ नहीं मिला। प्रशासन के कुछ नुमाइंदे यहाँ पर एप्पल बोर की खेती देखने आए थे, ऐसे में उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हम आपको खेती के लिए ड्रिप वगैरह की व्यवस्था करवाएंगे, लेकिन उसके बाद इन्होंने उसका पीछा भी उस कागज़ के माध्यम से पीछा किया, लेकिन अभी तक के उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए जो शासन की प्रशासन की योजना, उसका लाभ इनको अभी तक नहीं मिल पाए। ऐसे में किसान ने एक अपना जो भारत देश है किसी प्रधान देश है, ऐसे में निश्चित रूप से अगर किसानों को समय पर उस उपकरण मिलेंगे तो यह जो खेती है निश्चित रूप में हर किसान के लिए लाभ का धंधा साबित होगी। अगर मालवा से पंजाब केसरी के लिए सैयद जाफर हुसैन। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।